वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। दोस्तों बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। एक्चुअली प्लानिंग ये थी कि मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ आए हुए थे, उनके साथ हम लोग शॉर्ट शूट कर रहे थे, तब से ही आप लोगों को ब्लॉग दिखाना शुरू करता, क्योंकि उसमें प्रॉपर गेटअप था, मैं बूढ़ा बना हुआ था, मेरा एक दो टोपी ओपी लगा के लुक चेंज किया था, और मतलब अच्छा शूट किए वो वाला, थोड़ी हॉरर स्टोरी वाला शॉट है जैसे आप लोगों को पसंद आते हैं उस टाइप के। और मुझे तो पता ही नहीं चला, लकी ने बताया जो पिछला वाला हमारा जो शॉट था हॉरर शॉट वाला, हॉरर स्टोरी वाला, उसमें 5 मिलियन व्यूज गए हैं, मतलब 5 मिलियन से भी ज़्यादा भी रेगुलर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं चार्ली 777, क्योंकि उसकी बहुत दिन से तारीफ सुने हुए थे तो सोचे देख लेते हैं। और हमने अभी तक 4 शॉट शूट कर चुके हैं, 3.5, अभी आधा पार्ट शूट करना बाकी है। तो लकी भाई तो है अभी, तो बस मैं और लकी निकल रहे हैं, एक और था सार्थक तो निकल गया, अभी टीवी बंद कर देते, मैं ब्लॉग देख रहा था, इसको बंद कर देता हूँ। मूवी का टाइम है 3:40 का और अभी 3:20 हो चुके हैं, घर के बाजू में ही, लेकिन थोड़ा चल के जाना पड़ता है और चाय पीने का मन कर रहा है। अभी मैं घर पे बना नहीं पाया, चाय वाय हो नहीं पाया, मेड नहीं आई थी तो लफड़ा हो गया, तो अभी नीचे जाके एंजॉय करते हैं। तो हम लोग मूवी देखकर भी आ गए, मूवी सच में बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई चार्ली 777। अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो ज़रूर देखने जाओ, आपके पास पेट है तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। और अगर पेट नहीं है तो लकी का ऐसा कहना है कि ठीक है, मतलब अच्छी लगी लकी को, वन टाइम वॉच लकी का ये कहना है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म देखने के बाद आप ज़रूर इमोशनल हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। खैर अभी हाँ, सबसे स्पेशली लास्ट क्लाइमेक्स जो था बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाला था। और जो रक्षित शेट्टी है, जो एक्टर है, लीड एक्टर, बहुत ही प्यारी एक्टिंग की है, और साथ ही साथ वो डॉगी ने भी। और अभी हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट शूट, 4th शॉर्ट है ये, और बहुत कम पोर्शन बचा हुआ है, इसकी भी स्टोरी इंटरेस्टिंग बना ली है, फिल्म देखने के बाद बाहर निकले तो इंटरेस्टिंग बन गया है। एक्चुअली अभी हमारा जस्ट शूट कम्प्लीट हुआ, शूट कम्प्लीट होने के बाद हम लोग खेलने लगे थे WWE प्ले स्टेशन में, और वेग भाई ने मुझे हरा दिए, मेरा ब्रॉक था और इसका शॉन माइकल से ब्रॉक हार गया, मतलब हैरानी वाली बात है, ब्रॉक कभी जिससे भी हारा वो शॉन माइकल से हार गया। लेकिन खेलने में बहुत ज्यादा मजा आया और वेग भाई के भी अब हाथ बैठ गए, तो हम लोग खेलते रहेंगे और कभी गेमिंग वाला वीडियो बनाएंगे हम दोनों मिलके प्रॉपर, जिसमें हम लोग एक अच्छे अच्छे रेसलरों को चुन के गेम प्ले करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से बढ़िया रेसलर्स हैं जिनकी आप फाइट देखना चाहते हो, धमाकेदार वाली, बहुत जल्द लेके आएंगे वीडियो। और हाँ भाई, इनका भी नया चैनल है मस्तरंगी नाम का, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो उसको भी, प्यार दो, उसमें इनकी डेली लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। मस्तरंगी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, क्लिक करके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। खैर अभी हम लोग थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद खाना वाना खाएंगे। अभी हमको गेमिंग का इस लेवल का चस्का चढ़ा है कि रात में हम लोग 12:30 बजे भी गेम खेलने में लगे हुए हैं, और ये मजा आ रहा है। ये पुराना वाला अंडरटेकर और ये पुराना वाला एंड्रे द जायंट वाले प्लेयर है, मस्त मजा आ रहा है, अभी एंजॉय करते, नहीं तो मेरा अंडरटेकर कुछ ज्यादा ही पिटने लगेगा। तो अंडरटेकर के फाइनली इसी फाइनल मूव के साथ मैं जीत गया, और फिर से हम लोग एक्सट्रीम रूल खेलने जा रहे हैं। जो एंड्रे द जायंट था वो इतना अच्छा तो नहीं खेल पाया, उसको खरीद के गलती कर दी ऐसा लग रहा है। इन कोई नहीं, अभी दूसरे प्लेयर्स पे जाते हैं और कुछ डिफरेंट करें क्या, कोई डिफरेंट प्लेयर्स ले क्या, रॉयल रंबल में बहुत मजा आया था, रॉयल रंबल एक बार खेलते हैं, उसमें हमने 30 मेंस के साथ खेले थे, 30 रेसलर्स थे, लास्ट तक गया था और मैं तो बहुत निकला था बाहर, बहुत बार बाहर निकला रॉयल रंबल। तो अभी हो रहे हैं 6:30 और मैं जा रहा हूँ आधार कार्ड में अपना कुछ मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए। दरअसल मेरा जो पुराना मोबाइल नंबर था जो आधार कार्ड में अपडेट है उसका कुछ अता पता नहीं है, बहुत टाइम हो गया, तो अभी मैं अपडेट करवा लूँगा तो मेरे कुछ काम रहते हैं वो इजी हो जाते हैं। बहुत दिन से मैं इस चीज़ के पीछे लगा हुआ था, लेकिन क्या होता है कि नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी जगह बात किया, फिर फाइनली एक जेन्युइन जगह मिली जहाँ पर जल्दी से काम हो जाएगा। मुझे थोड़ा अर्जेंट भी है और ये घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, मैंने सोचा अभी निकल जाता हूँ। अभी मैं इससे पहले बहुत देर तक गेम खेल रहा था, WWE में मैंने 2-4 रेसलर खरीद लिया था, इस वजह से क्या हुआ कि मुझे वापस से उसकी कमाई करना था तो मैं उसी में लगा हुआ था। और जब एक बार गेम खेलने बैठो तो PSA कमाल यही होता है कि पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब निकल गया, 2 घंटे कब निकल गए, कुछ पता नहीं चला।
तो अभी जस्ट मैं अपने 3-4 घंटे की गेमिंग करके फ्री हुआ हूँ, और फ्री हुआ तो जस्ट अभी पता है घर पे क्या पहुंचा, ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कि मेरे मोबाइल के लेंस को और भी ज़्यादा बेहतर बना देगी। इसको लिखा ही है माई पॉकेट DSLR। मैं अभी आप लोगों को इसका कमाल दिखाता हूँ, आप लोग समझ जाओगे कि क्या चीज़ है। खैर अभी दिखाता हूँ डायरेक्टली इसका एक्सपेरिमेंट करके, इसको पहले ओपन करते हैं। चलो ये है एक लेंस जो कि मोबाइल के लेंस को भी DSLR की तरह बना देता है। जी हाँ, ये बहुत पहले से मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ आए मार्केट में आए, और ये चल रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन हाँ, अब ये आ गया है तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। इसमें दो तरह के लेंस होते हैं, एक तो होता है मैक्रो लेंस जो कि बहुत करीब की, बहुत पास की फोटोग्राफी करने के लिए यूज होता है, ये मैक्रो लेंस है। और मैक्रो लेंस को अलग कर दी तो ये निकल जाता है हमारे लिए वाइड एंगल कैमरा। तो सबसे पहले मेरा जो मेन मकसद था इसको लेने का, वाइड एंगल के लिए था, तो वाइड एंगल को सबसे पहले हम यूज करके देखते हैं। ये मिल गया वाइड एंगल, और सीरियसली काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया, काफी ज्यादा। अभी देखो, आप डिफरेंस देखो क्वालिटी में, ओह माय, क्या चीज मिल गई यार, मैंने सोचा नहीं था इतनी कमाल की चीज होगी। इन लोगों का तो खाना हो गया, जिसमें से जो मिर्ची है ये लोगों को खाने नहीं देती है। ये इतना बड़ा डॉगी है, इसको खाने नहीं दे रही है, इतनी छोटी सी पतली सी। और टकू टकू क्या हुआ, मैं तो पता नहीं इसको क्या हो गया, भूखा भाकी मचाने लगा, पूछ रहा था। और अभी देखो वो जबकि दिख देखो कितना बड़ा दिखता है ना, टक्कू का हम शक्ल है, वैसे शक्ल से टक्कू जैसा दिखता है। तो बाहर इस वक्त हो रही है कमाल की बारिश, एकदम प्यारा माहौल बना हुआ है। यार मैंने वो लेंस लगाना भूल गया, आदत नहीं है ना, अभी आदत में बैठ जाएगा तो आप लोगों को लेंस ला के दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत दिखेगा। खैर मैं इस खूबसूरत सुहाने मौसम का मजा लेता हूँ जिया और टक्कू के साथ, यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है घूमने में, और जाकर आराम करूँ मैं। इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को डिफरेंट चीजें देखने को, और अच्छा मौसम हो गया। टक्कू उतना ही डरता है बारिश से और मुझे उतनी ही ज्यादा पसंद है। चलो खैर, बहुत सारी चीजें देखने मिली है, अब तक जुड़े हुए थे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि भाई मैं गेमिंग व्लॉग्स डिफरेंट तरह के वीडियो इस चैनल में डालने की पूरी कोशिश करते रहता हूँ, ताकि आप लोगों को डिफरेंट तरह का भी इंटरटेनमेंट देते रहो। चलिए कल फिर से कुछ अलग से वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा, कल या फिर बहुत जल्द, ये प्रॉमिस नहीं कर सकता लेकिन होऊंगा बहुत जल्दी होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ। टक्कू बाय बोल दे सबको, बाय बोल दे टक्कू, बाय बोल बाबू, बाय बोल, बाय बोल को टू, बाय बोल, बाय बोल, बाय 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 बा